हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। ये मेरा मैंने आज फर्स्ट टाइम इस पे कोई वीडियो बनाया है। मैंने सोचा जो मैं पढ़ूं तो वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। बस इस यूट्यूब चैनल को बनाने का इतना ही मोटिव था, अदरवाइज़ इससे ज़्यादा मेरा और कोई मतलब नहीं था कि मैं और कुछ करूं। सोचा कि जो मैं खुद सीखूं वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो चलिए आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, लाइब्रेरी ऑटोमेशन। क्या होता है लाइब्रेरी ऑटोमेशन, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। जो मैंने पढ़ा मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने इसमें क्या पढ़ा, और कुछ नए सजेशंस होंगे वो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक आज का, लाइब्रेरी ऑटोमेशन। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेंट की, कि क्या क्या कंटेंट पे हम आज बात करने वाले हैं। ऑटोमेशन, लाइब्रेरी ऑटोमेशन, नीड ऑफ लाइब्रेरी, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन, बैरियर्स ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन, एडवांटेज ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड कॉन्क्लूजन। लास्ट में हम मतलब सब कुछ करने के बाद क्या कॉन्क्लूजन निकालेंगे, क्या कॉन्क्लूजन निकल के आता है। तो दोस्तों, लाइब्रेरी ऑटोमेशन, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऑटोमेशन होता क्या है, तभी हम लाइब्रेरी ऑटोमेशन पे जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑटोमेशन। क्या होता है ऑटोमेशन? ऑटोमेशन वो होता है जब आप घर पे, आप बेसिकली आप सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूँ, एक साधारण सी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, तो ऑटोमेशन वो होता है अगर आप किसी भी काम को करने के लिए, पहले क्या करते हैं, अभी क्या करते हैं आजकल क्या हो गया है कि कपड़े पहले हाथ से धुलते थे, अभी क्या मशीन आ गया है, आपने मशीन में कपड़े डाले, बटन दबाया, हो गया काम, तो आपका काम इजी हो गया। डेट इज़ ऑटोमेशन, वो ऑटोमेशन हुआ। सिंपल सी भाषा में किसी भी काम को अगर आप करने के लिए मशीन का, किसी उपकरण का उपयोग आप कर रहे हैं, उससे आपका ह्यूमन पावर जो है वो आपकी बच रही है, आपके जो काम करने का पावर है वो बच रही है, कम टाइम में आप ज़्यादा काम कर पा रहे हैं, डेट इज़ ऑटोमेशन, उसको आप ऑटोमेशन कहेंगे। तो जिस भी काम को करने के लिए आप मशीन का उपयोग कर रहे हैं उसको आप ऑटोमेशन बोलेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं लाइब्रेरी ऑटोमेशन। लाइब्रेरी ऑटोमेशन होता क्या है? लाइब्रेरी ऑटोमेशन में आप पहले हम क्या करते थे, सारा काम मैन्युअली करते थे, जिस काम को करने में टाइम भी ज़्यादा लगता था, आपको पर्संस भी ज़्यादा चाहिए थे, क्योंकि आप एक बंदा एक काम कब तक करेगा, मतलब उसको हेल्प चाहिए थी। अभी क्या होता है, अभी हम लोग क्या करने लगे, मोस्टली आप लाइब्रेरीज़ में आप जाएंगे, लाइब्रेरी सारी आपको डिजिटल लाइब्रेरी मिलेगी, है ना, और उसमें आपको एक सिस्टम लगा मिलेगा, उसमें आप जाएंगे, बुक कोई वो फटाफट से आपने कोई बुक मांगी, वो आपको क्या करेंगे, बुक निकाली, दी, स्कैन किया, कोड स्कैन किया और दे दिया, उसको कुछ नहीं करना। मैनुअल में क्या करना होता था, बुक को नंबर लिखना पड़ता था, फिर एक रजिस्टर में उसकी एंट्री करनी पड़ती थी, तब कहीं जाकर वो बुक आपको मिलती थी। अभी क्या होता है कि बस वो एक अपना कोड स्कैन करते हैं, आप स्कैन करते हैं और वो बुक आपको मिल जाती है आसानी से। तो कहने का मतलब यह है कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन से मतलब, जब आप किसी काम को करने के लिए कंप्यूटर का, किसी टेक्नोलॉजी का, नेटवर्क्स का यूज़ करते हैं, तो उसको लाइब्रेरी ऑटोमेशन बोलते हैं, जिसमें एक्विजिशन है, कैटलॉगिंग है, सर्कुलेशन है, स्टॉक वेरिफिकेशन है, इन सब काम को करने के लिए आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो उसको आप लाइब्रेरी ऑटोमेशन बोलेंगे। चलिए लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिंपल सी भाषा में हमने जाना, अब हम जानते हैं लाइब्रेरी ऑटोमेशंस के लिए हमें, अब हम देखते हैं क्या क्या हमें ज़रूरत है, नीड ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन। लाइब्रेरी ऑटोमेशन के लिए हमें इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट चाहिए, टाइम सेविंग, बेटर लाइब्रेरी सर्विसेज चाहिए, इंफॉर्मेशन रिक्रप्शन चाहिए, वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इन वेरियस फॉर्मेट्स चाहिए। तो
चलिए बात करते हैं टाइम सेविंग की। तो टाइम सेविंग आप कैसे कर सकते हैं, जब आप काम को, आपका स्टाफ है वो किसी कोई रीडर आपके पास आता है और उस काम को वो कोई इन्फॉर्मेशन उससे मांगता है, वो उसको बोलता है कि आप उस पे जाके अपने ओपेक पे जाके सर्च कीजिए, तो उससे क्या होता है, उसका एम्प्लॉई का तो टाइम की सेविंग होती ही होती है, आपके पास जो रीडर आ रहा है उसके टाइम की भी सेविंग होती है। आप बेटर लाइब्रेरी सर्विसेज दे पाते हैं लाइब्रेरी ऑटोमेशन के ज़रिए, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन आप तुरंत आप एक कंप्यूटर में आपके सब कुछ, आपके डेटा सब आपके पास फीड होता है, तो आप क्या करते हैं जैसे कोई बोलता है उसको सर्च करते हैं और वो आपको तुरंत मिल जाता है। तो आप बेटर लाइब्रेरी सर्विसेज दे सकते हैं लाइब्रेरी ऑटोमेशन के ज़रिए। इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट, लाइब्रेरी ऑटोमेशन के लिए मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट बहुत उसको चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि चीज़ें कैसे यूज़ करते हैं, बस उसको इतना आना चाहिए, तो वो अपनी सर्विसेज बहुत अच्छे से दे सकता है। तो आज के टाइम में आप देखिए डे बाय डे आपको चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, फॉर्मेट बढ़ते जा रहे हैं, तो अगर कोई आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है तो आपको वो किसी भी फॉर्म में देनी पड़ सकती है, आपको पीडीएफ फॉर्म में भी देनी पड़ सकती है, जेपीजी में देनी पड़ सकती है, जीआईपी में देनी पड़ सकती है, तो इसलिए आपको हर तरीके का काम करना, अपनी उस मशीनरी से काम करना आना चाहिए, तभी लाइब्रेरी ऑटोमेशन करने का फ़ायदा है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका स्टाफ वो काम नहीं कर सकता तो कोई फ़ायदा नहीं है। डेटा इन्फॉर्मेशन आपके पास लोड, मतलब आज की हम बात करें तो डे बाय डे रोज़ एक नई इन्फॉर्मेशन, रोज़ एक नई रिसर्च निकल के आती है, तो उन सबको आपको एक डेटा को आपको इकट्ठा करने के लिए, आपको एक फॉर्म में बनाने के लिए, उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, लाइब्रेरी ऑटोमेशन की। इसलिए लाइब्रेरी ऑटोमेशन बहुत ही ज़रूरी है, इससे आप अपने रीडर्स को अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं चलिए अब बात करते हैं बेसिक्स, हमें क्या चाहिए। सबसे पहले चाहिए हमको फाइनेंशियल असिस्टेंट, जिसके लिए, क्योंकि लाइब्रेरी में आप अगर अपनी लाइब्रेरी को ऑटोमेशन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको फ़ंड की ज़रूरत होगी, और एक अच्छी लाइब्रेरी, अच्छे ऑटोमेशन के लिए, एक अच्छी लाइब्रेरी बनाने के लिए, उसके लिए आपको बुक परचेज करनी पड़ेंगी, जर्नल्स लेने पड़ेंगे, मैगजीन्स लेनी पड़ेंगी, और इन सबको लेने के लिए आपको एक गुड फंड, लार्ज फंड की आपको नीड होगी। उसके बाद है हार्डवेयर, आपको बेसिक हार्डवेयर लाइक कंप्यूटर, प्रिंटर, बारकोड रीडर, बारकोड प्रिंटर एक्सेट्रा आर नीड्स फॉर लाइब्रेरी ऑटोमेशन, इन सब चीज़ों की आपको लाइब्रेरी ऑटोमेशन में ज़रूरत पड़ेगी। सी सॉफ्टवेयर, और आपको लाइब्रेरी ऑटोमेशन करने से पहले ये आपको सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा, इसका एक पूरी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि आपको किस टाइप के सॉफ्टवेयर की आपको ज़रूरत है अपनी लाइब्रेरी में, आपको क्या क्या काम आपको चाहिए जो आपके सॉफ्टवेयर से हो। तो सॉफ्टवेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन। वन कैन इंस्टॉल एनी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू देयर बजट, जो कि आपके बजट में भी हो और वो आपकी लाइब्रेरी का काम पूरा करें। पता लगा हमने सॉफ्टवेयर तो खरीद लिया लेकिन जो हमें चाहिए था उससे हम वो कर ही नहीं पा रहे, तो उससे हमने अपना टाइम तो वेस्ट किया ही किया, अपना पैसा भी वेस्ट किया। डी पॉइंट पे हम चलिए बात करते हैं, वो है गुड कलेक्शन ऑफ बुक्स एंड लाइब्रेरी मटेरियल। हमारी लाइब्रेरी में ऑटोमेशन अगर हम करने जा रहे हैं तो उसके लिए अच्छी किताबों का एक कलेक्शन हमारे पास होना चाहिए, जिससे हम उसको लाइब्रेरी ऑटोमेशन करें और कोई यूज़र आए तो हम उसको सेटिस्फाई कर सकें। पता लगा हमने इतना पैसा भी लगाया लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमारे पास ना तो अच्छी किताबें हैं और ना ही हम किसी रीडर को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, तो ऐसा करने का ऐसे लाइब्रेरी ऑटोमेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ हम अपने टाइम को भी वेस्ट करेंगे और हम यूज़र्स का टाइम भी वेस्ट करेंगे और मैनेजमेंट का पैसा वेस्ट करेंगे। तो इसलिए अच्छे लाइब्रेरियन के लिए चाहिए इन बेसिक रिक्वायरमेंट्स को, आपको देखना होगा कि आपको लाइब्रेरी में क्या क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें लेनी होंगी। चलिए बात करते हैं बैरियर ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन।
क्या क्या बैरियर हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं हमें लाइब्रेरी ऑटोमेशन में करने के लिए, क्योंकि बहुत लाइब्रेरी इतनी छोटी होती हैं कि लोगों को लगता है कि यार क्यों करना और क्यों इतना पैसा वेस्ट करना, जब काम मैन्युअली चल रहा है तो हम क्यों इतना पैसा ख़राब करें। तो कॉस्ट अफेयर, क्या मैनेजमेंट क्या सोचता है कि पैसा, उसको दिमाग में ये आ जाता है कि क्यों मैं इतना अपना पैसा ख़राब करूं जब काम, इस छोटी सी लाइब्रेरी का काम मैन्युअली चल रहा है। तो एक सबसे बड़ा बैरियर ये आता है कि आप मैनेजमेंट हमारा पैसा नहीं खर्च करना चाहता, तो कॉस्ट अफेयर सबसे पहला बैरियर आता है। फिर आता है अनट्रेंड स्टाफ, स्टाफ काम मैन्युअली काम करने में वो कंफर्टेबल हो जाता है तो इसलिए वो नई चीज़ें सीखना ही नहीं चाहता। इसलिए दूसरा जो हमारा बैरियर आता है वो अनट्रेंड स्टाफ का आता है, क्योंकि पुराना स्टाफ काम करना ही नहीं चाहता, काम करना नहीं चाहता मतलब सेंस वो नई चीज़ें नहीं सीखना चाहता, वो सोचता है कि जब मैं इससे कंफर्टेबल हूँ तो मैं नया क्यों सीखूं। तीसरा बैरियर आता है हमारा इंटरनेट फैसिलिटी, बहुत सारी लाइब्रेरीज़ बहुत सारे कॉलेजेस ऐसी जगह पे हैं जो बहुत रूरल एरिया में है, गांव में है, वहाँ इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ सबसे बड़ा बैरियर ये खड़ा हो जाता है कि आप लाइब्रेरी ऑटोमेशन तो कर लें लेकिन आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी ही नहीं है उसको चलाने की। तो इंटरनेट फैसिलिटी भी एक बहुत बड़ा बैरियर है, क्योंकि आज के टाइम में भी बहुत सारी लाइब्रेरीज़ ऐसी हैं जो आज भी मैन्युअली ही काम कर रही हैं, वो ऑटोमेशन कराना ही नहीं चाहते। लेस कलेक्शन, बुक्स का इतना कलेक्शन ही नहीं होता उन लोगों के पास कि वो लाइब्रेरी ऑटोमेशन करें, बहुत कम बुक होती हैं, बुक्स होती हैं, जैसे कि उनके पास बीएड चल रहा है तो वो सिंगल बीएड की बुक्स रखेंगे, उनके पास मुश्किल से 5-6 हज़ार किताबें हैं। तो यहाँ सब ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि जब इतनी छोटी लाइब्रेरी है तो हम क्यों लाइब्रेरी ऑटोमेशन करें और क्यों बिना बात अपना पैसा ख़राब करें, ना तो स्टाफ करना चाहता और ना ही मैनेजमेंट चाहता। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन। लाइब्रेरी ऑटोमेशन करने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, टाइम सेविंग, आपका टाइम बचता है, आपका स्टाफ रीडर को बहुत कम टाइम में उसकी इंफॉर्मेशन को जल्दी दे सकता है, उसकी ज़रूरत को जल्दी पूरा कर सकता है। इजी वर्किंग, इतना इजी वर्क हो जाता है उसको करने से कि आपको अगर मैन्युअली कोई काम करने में अगर 2 घंटे लगते हैं तो उसको करने में आपको बहुत कम टाइम लगता है, मतलब आधा घंटा लगा। बहुत काम ऐसे होंगे कि मैन्युअली अगर आप कोई बुक सर्च करने लगो आपको पता ही नहीं है कि वो बुक लाइब्रेरी में है कि नहीं है, तो आप लगे हैं ढूंढने में आपको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लग गए लेकिन आपको वो बुक नहीं मिली। लेकिन अगर आपके पास लाइब्रेरी ऑटोमेशन है आप क्या करेंगे, अपने सिस्टम पे जाएंगे, उस बुक को सर्च करेंगे कि वो बुक लाइब्रेरी में अवेलेबल है कि नहीं, अगर है तो कहाँ है और नहीं है तो किसके पास है, तो वो आप इंफॉर्मेशन विद इन अ 5 मिनट्स आप अपने रीडर को दे सकते हैं, तो आपका वर्क जो है वो ईजी हो जाता है। ईजी सर्चिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आप अपने रीडर को आप अपने पैट्रोन को बता सकते हो कि आप अपने सर्च आप हमारी लाइब्रेरी के ओपैक पे जाइए और अपना टाइटल डालिए तो आप उस पर अपनी बुक भी सर्च कर सकते हैं, तो उसके लिए भी ईजी सर्चिंग हो सकती है क्योंकि वो लाइब्रेरी में आएगा उठ के और उसके बाद उसे उसकी जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसको नहीं मिल रही है तो उसका भी टाइम वेस्ट और आप जो आप इंफॉर्मेशन देने के लिए बैठे हैं ना तो आपने अपना काम किया और अलग से उसका टाइम तो वेस्ट हुआ ही हुआ, तो इसलिए इजी सर्च इंजन भी हो जाता है, आप उसको बता सकते हैं तो वो अपनी लाइब्रेरी में आने से पहले अपनी बुक सर्च करके आएगा, अवेलेबल होगी तो वो आएगा अदरवाइज़ वो नहीं आएगा। हेल्पिंग इन रिसोर्स शेयरिंग, आप अपना जो डेटा है आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके पास ई फॉर्म में होती हैं तो उसके लिए रीडर को आने की भी ज़रूरत नहीं है, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, आप उसको वो मेल कर सकते हैं, वो पीडीएफ फॉर्म में उसके पास भेज सकते हैं, तो इसमें भी आपकी बहुत हेल्प होती है, आपकी तो हेल्प होती ही होती है और आप एक एज अ लाइब्रेरियन आप अपने रीडर की कम टाइम में और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। इफ़ेक्टिव बुक कीपिंग, लाइब्रेरी ऑटोमेशन से क्या होगा कि आप एक अच्छा बुक का रखने का ढंग, उसका रख रखाव आप अच्छा कर सकते हैं, उस पर बार कोडिंग होगी, आपको पता रहेगा कौन सी बुक आप कहाँ रख रहे हैं तो उसमें भी यूज़ हो जाता है। तो इसलिए लाइब्रेरी ऑटोमेशन करने के लिए अगर बैरियर्स हैं तो उसकी एडवांटेज भी बहुत हैं लाइब्रेरी ऑटोमेशन करने की। चलिए बात करते हैं अब हम लाइब्रेरी का कॉन्क्लूज़न।
तो हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन के अगर बैरियर्स हैं, उसकी एडवांटेज भी हैं, उसकी नीड्स भी हैं, तो इट्स मीन लाइब्रेरी ऑटोमेशन इज़ अ गुड फॉर लाइब्रेरी एंड हमारे पैटर्न्स के लिए भी वो बहुत अच्छा है। हम अपने पैटर्न्स को अपने यूज़र्स को, अपने रीडर्स को बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा सर्विसेज दे सकते हैं, उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। और एक लाइब्रेरियन का लाइब्रेरी में बैठना, उसका सबसे पहला काम यही होता है कि वो अपने रीडर्स को सेटिस्फाई करे। तो मैं कह सकती हूँ कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन करने से बहुत ज़्यादा हमें चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। हमें ये सोचना है बस सबसे पहले कि हमें किस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, हमारी ज़रूरतें क्या हैं और हम उस पर क्या क्या काम हमें करना है और किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत है। तो लाइब्रेरी चाहे छोटी हो या बड़ी, लाइब्रेरी ऑटोमेशन हर एक लाइब्रेरी के लिए बहुत अच्छा है। आप उससे नई नई चीज़ें सीखते हैं। तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को कितना समझ में आया। थैंक यू सो मच, कमेंट में बताइएगा प्लीज़।